वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू येट अनदर ब्लॉग। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, माई नेम इज ऐश्वर्या गोयल एंड आई रियली अप्रिशिएट इफ यू हिट दिस सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डू हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन नोटिफाइड व्हेन आई पोस्ट न्यू वीडियो। सो आज है हमारे घर पे फर्स्ट गणपति विसर्जन। हमने आज से पहले गणपति नहीं बिठाए थे बट वी फील लाइक इस बार उन्होंने सोच लिया था कि इस घर में आना है इस बार। सो जैसा कि मैंने बताया कि आज गणपति विसर्जन है, हम कहीं बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि मैंने इको फ्रेंडली गणेश ही बनाए हैं एंड काफ़ी सारे लोग भी आ रहे हैं तो काफ़ी सारी तैयारी अभी ऑब्वियसली होनी है। तो मम्मी की अभी थोड़ी सी हेल्प करा देती हूँ, उसके बाद आई एम गोना टेक शावर एंड गेट रेडी। ऑलरेडी मेरा आउटफिट सोचा हुआ है क्या मेरे को पहनना है, आयरन है वहाँ पे टंगा हुआ है। आगे मैं एक छोटी सी क्लिप ऐड कर दूंगी कि मैंने कैसे गणेश जी बनाए वगैरह वगैरह, अगर आपको जानना होगा। नेक्स्ट टाइम से आप भी वो वाली किट मंगवा सकते हो और आप खुद घर पे बना सकते हो गणेशा इंस्टेड ऑफ बाइंग वो पीओपी वाले गणेशा। मैंने इतनी सारी वीडियोज देखी है जहाँ पे इतने बड़े बड़े गणेशा की मूर्ति है वही पीओपी वाली और उनको इतने डिसरिस्पेक्टफुली ऐसे नदियों में पानी में बहाया जा रहा है ना, कहीं सर टूट रहा है कहीं हार टूट रहा है एंड इट इज वेरी वेरी हर्टफुल एंड डिसरिस्पेक्टिंग। तो यू शुड गिव इट अ थॉट टाइम अराउंड गणेश चतुर्थी। बच्चों गुड मॉर्निंग। क्रिस्टल तू तो दिखती ही नहीं है बिल्कुल भी, तेरी तो आंखें भी नहीं दिख रही है। जा 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 जा। अच्छा चलो सो जाओ सो जाओ सो जाओ। हाँ सो जाओ मिशू सो जाओ, अभी टाइम है तुम्हारे उठने में, सो जाओ। ओके हाँ जी, तो मैं हो चुकी हूँ एकदम रेडी एंड दिस इज हाउ आई लुक एंड आपको भी दिखाते हैं हमारा फर्स्ट गणपति विसर्जन का कैसा रहता है। Thank you.
गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, मोरया मंगल मूर्ति मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ, गणपति बप्पा मोरया। ऑन ड्यूटी नाना पता कर लेना मेरे साथ। So welcome back, and well, this is how we celebrated our first Ganesh Visarjan, and it was actually very very fun. So हमारी डांस अकेडमी है ऐश्वर्या डांस एंड म्यूजिक अकेडमी, एक्चुअली अकेडमी में पूजा कर लेते हैं, बट क्योंकि इस बार हमने गणेश जी अपने मंदिर में बिठाए थे तो इट मेड सेंस कि हम घर पे ही पूजा भी रखें, एंड वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल कि वो सब आए, हम सब ने बहुत इंजॉय किया। जो आपने थाली में सजे देखे थे लड्डू, वो मम्मी ने 7 तरीके के लड्डू बनाए थे, बेसन का, देन आटे का, पान का, देन मलाई का, केसर का, चूरमा का, और जो सेंटर में था वो बूंदी वाला था। उसके अलावा बाकी सारे जो एकेडमी की लेडीज थी वो सब कुछ ना कुछ लेके आई थी। ऑल्दो मम्मी ने सबको बोला था कि मत लेके आना, बिकॉज वी नो कि वो हर बार कोई भी ऐसी हम सेलिब्रेशन करते हैं ना, सब अपने घर से बहुत बहुत सारा और बहुत टेस्टी बहुत यमी सामान लेके आते हैं, और इस बार भी ऐसी हुआ है। तो कोई लड्डू लेके आया, कोई मोदक लेके आया, एक कल्पना आंटी है वो बहुत ही टेस्टी गोलगप्पे का पानी, बहुत ही टेस्टी था गोलगप्पे लेके आए, और गोलगप्पे का पानी मेरे को अभी जिन जिन के नाम याद आ रहे हैं उनके ही ले रही हूँ, अदरवाइज सब ही कुछ ना कुछ लेके आए थे। जैसे एक सुगंधा आंटी आती है एकेडमी में, वो खस्ता कचौरी लेके आई थी, वो भी बहुत टेस्टी थी। फिर एक अनामिका आंटी है जो लेके आई थी सूजी का हलवा, पर कोई ढोकला भी लेके आया था तो वो बिल्कुल याद नहीं है उस टाइम पे कौन क्या लेके आ रहा था कौन नहीं, बस इन तीनों का इसलिए याद है क्योंकि वो थोड़ा जल्दी आ गए थे और मेरे सामने दिया था। वी आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली ग्रेटफुल, एंड होपफुली आगे भी हम इस टाइप के और फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे साथ में। सो स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड, डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल, क्योंकि सबसे पहले वहीं पे सारे अपडेट्स आपको मिलते हैं। एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय। ओ हाँ, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।